बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं। यूं लगता है रब ने मेरे नसीब में नाकामी लिख दी है। जो भी काम करता हूं नाकाम हो जाता हूं। मुझे तो महसूस होता है जैसे मेरा रब मुझसे नाराज है। बाबा जी नाराज है। हमारी अता की हुई रहमतों में कमी कैसे हो सकती है? हमारी बात का इनकार तो रब भी नहीं करता। रब के वास्ते मुझे बचा लो बाबा जी। मेरा कारोबार, खेत खलियान सब तबाह हो रहा है। मैं तो आपके दर पर फरियाद लेके आया हूं बाबा जी। हमारे आस्ताने से पूरी दुनिया को फैज जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे दिए हुए फैज से बरकत ना हो? तुझ पर किसी ने बहुत सख्त जादू कर दिया है। किसी ने तेरी रोटी रोजी कारोबार सब बांध दिया है। बाबा जी, रातों को नींद नहीं आती, बने हुए काम बिगड़ जाते, चारों तरफ से सोचों ने घेरा हुआ है। तेरे इर्द गिर्द काले जादू का जाल बड़ी मजबूती से बिछाया गया है। क्या बनेगा तेरा मुख्तारे, क्या बनेगा? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा जी, कोई नहीं है बाबा जी, कोई नहीं है। हम हैं ना, हमने तेरा सारा बंदोबस्त कर दिया है, तुम फिक्र ना करो। बिस्मिल्लाह। ये दम किया हुआ पानी है, इस पे हमने सारी रात पढ़ाई की है। इसके घर के अंदर बाहर छिट्टे मारने हैं और खेतों में भी छिड़काव करना है। और ये बत्तियां रात को घर में जलानी हैं। और ये तावीज अपने पास रख लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपका हुक्म बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। बाबा जी अब इजाजत है? क्यों, खैरियत है? बाबा जी वो घर वाली बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ना ना मुख्तारे, उसको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना। वो डॉक्टर पीरों फकीरों का मुनकर है, और जो पीरों फकीरों के मुनकर होते हैं उनके पास शफा नहीं होती, उनके पास शफा नहीं होती। ठीक है बाबा जी, ठीक है, जैसे आपका हुक्म, जैसे आपका हुक्म। रशीद भाई, खैरियत है? कहाँ जा रहे हो? मुख्तार भाई, छोटे बच्चे की जरा तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गांव का डॉक्टर जो है ये पीरो फकीरों का मुनकर है। इसके हाथ में शिफा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, दरबार शरीफ पर जाओ, पीर साहब बैठे हुए हैं, उनसे बच्चे को दम कराओ, देखना शिफा हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है मुख्तार भाई, मैं भी बच्चे को दरबार शरीफ पर लेकर जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आ गए आप घर? फजर वेले कह के भेजा था आपको मैंने, कि तबीयत खराब है मेरी, कोई फिकर हो घर के चूल्हे चौके के वास्ते मैं ना रखी हुई हूँ। मैं काम करती रहूं, घर का चौकीदारा करती रहूं, मरती मर जाऊं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। मेरे से चंगे तो ये कबूतर है जिनको टाइम से दाना मिल जाता है। इनको जरा सा मसला हो इनको फौरन दवाई दारू भी मिल जाता है। तेथे रोटी की भी जरूरत है, चाय की भी जरूरत है, कपड़े भी चाहिए आपको। मरती मर जाओ, फिकर कोई नहीं है मेरी आपको। डॉक्टर भी उठ गए हैं, आप कुछ बोलो भी, कुछ बोलो। ओए बताता हूँ बताता हूँ, जरा छुरी थल्ले दम तो ले। ओ पलिए लोके,
मैं गया था बाबा जी के दरबार पे, तेरे लिए दम किया हुआ पानी दिया है बाबा जी ने। तू देखना जैसे ये पानी पिएगी ना, तेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ना मेरी गाल सुने, बाबा जी को माने आप, मैं इन पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ने वाली नहीं हूँ। मैं मानती हूँ अल्लाह को, अल्लाह ने भी कहा है जब तो अनु कोई तकलीफ होवे तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। ओ हमने नहीं जाना इस पिंड के डॉक्टर के पास, ये पिंड का डॉक्टर है ना पीरों फकीरों का मुनकर है, और जो पीरों फकीरों का मुनकर हो उसके पास शफा कहाँ से होनी। देखिए जी, मैंने डॉक्टर के पास जाना और ये अपना पीर अपने पास रखे, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी एक दिन, जब पता चलेगा ना असलियत, मुंह के बल गिरेगी आपकी पीरी फकीरी, और ये हर किसी की बातों में ना आ जाया करें। वो मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊंगा? मुझे अकल मौत नहीं है। ये जो पीर फकीर है ये आपको बच्चा ही समझ के करते हैं, जब इन पे कोई मुसीबत आन पड़ती है ना तो ये खुद भी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, बस मानते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। आ भाई आमर। जी भाईजान। ओ सब खैरियत तो है ना, बगैर अतला बगैर खबर तू आ गया, ओ कोई मसला तो नहीं ना? हाँ साथ तो लेने दो मुंडे को, आते सवाल जो आप शुरू कर दिया अपने घर, अल्लाह खैरी सल्ला। ओ नहीं मैं तो वैसे उससे वो पूछ रहा था कि बगैर अतला के आ गया मेरा वीर, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह खैर करे माशाल्लाह, देखते नहीं पे कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल ही बदल गया, बाबू ही बन के आ गया। चल मैं बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, इन्होंने तो बोल दे रहे ना। हाँ चल ठीक है, तू उतनी देर ना हाथ मुंह धोले और कपड़े शपड़े बदल ले मेरा वीर, हैं? ठीक है, तेरी भाभी तेरे लिए कुछ बनाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ना फिर इतनी देर जरा पानी के छटे छटे मार लूं, पीर साहब का दम किया हुआ पानी। सत्ते ही खैरा हो जाएंगी। आ आ बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आ मेरा वीर बह, पानी पी सत्तू पी। मुंह हाथ धो लिया तूने? हाँ जी। सही है, मुझे तो खुशी है कि पीर साहब की दुआओं से मेरे भाई की तालीम मुकम्मल हो गई है। ले इसमें पीर साहब का क्या कमाल है, हमारी हड्डियों का पानी मुक गया, मेहनत कर करके दुआएं कर करके। भाईजान मैं जो भी हूँ आपकी मेहनत और भाभी की दुआओं की वजह से हूँ, इसमें पीर साहब का कोई कमाल नहीं। ओए पीर साहब भी कुछ होते हैं, उनकी दुआएं भी कुछ होती हैं। अल्लाह को नहीं मानते हो, ये पीर साहब कौन होते हैं? अल्लाह ही होता है सब कुछ। ओए अल्लाह होता है अल्लाह होता है, लेकिन पीर साहब अल्लाह के नेक बंदे हैं। हाँ तो नेकी की अदा अल्लाह ने सारे बंदों को ही दी है, ये पीर फकीर सारे ढोंगी होते हैं। मैं तुम दोनों को समझा दूं, अगर तुमने पीर साहब की गुस्ताखी ना छोड़ी ना तो ये घर एक दिन मैं छोड़ जाऊंगा। मैं तो थक गई हूँ इन्हें समझा समझा के, अब तू समझा। लगता है भाईजन आप मुझसे नाराज हैं। ओ नहीं अमर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि तुम लोग कहते हो पीर साहब कुछ नहीं कर सकते, और मेरा मानना यह है कि पीर साहब कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ये मझ सुबह से दूध नहीं दे रही थी, मैंने पीर साहब से लाया हुआ तवीज इसे बंद है और ये दूध देना शुरू हो गई है, ये किसकी करामत हुई? पीर साहब की ना। भाईजान इस दुनिया में कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता, एक मामूली सी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लाखों लोग मर चुके हैं, दुनिया बंद होके रह गई है, हत्ता के दुनिया की तमाम इबादत गाहें भी बंद हो चुकी हैं। कोई पंडित
कोई पादरी, कोई मौलवी, कोई पीर और कोई साधु भी इस मामूली से वायरस का कुछ नहीं कर सका। सब बेबस और लाचार हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता और ना ही मुझे इस बारे में पता है। मेरा हुक्म ये है कि तूने सुबह मेरे साथ दरबार शरीफ पे जाना है, हाजिरी देनी है और हमने सलाम करना है बस। और देखना पीर साहब के दम से कैसे कोरोना भागता है। जो आपका हुक्म भाईजान। भाईजान, दरबार पे तो ताला लगा हुआ है। हुकूमत ने कुछ दिनों के लिए दरबार बंद कर दिया है। कोरोना वायरस की वबा बहुत फैल गई है जनाब। आप बाहर से सलाम करें और घर जाएं। ओए हुकूमत कौन होती है मेरे पीरों का दरबार बंद करने वाली। ओए इस दरबार से तो सारी दुनिया को फैज मिलता है। ये हमारे दादा मुर्शद का दरबार है। मैंने कहा दरबार पे सलाम भी हो जाएगा और पीर साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। ओ मुख्तारे, पीर बाबा कोरोना की वजह से हुजरा नशीन हो गए हैं और वो आजकल किसी से नहीं मिलते। ये कैसे पीर बाबा हैं जो कोरोना की वजह से हुजरा नशीन हो गए हैं? आमिर, मेरे पीर बाबा के बारे में कोई बात नहीं करनी और मैंने उनसे ज़रूर मिलना है। चलो उनके घर चलते हैं। भाईजान, पीर साहब कोरोना वायरस की वजह से बाहर नहीं आएंगे। ये मेरे पीर साहब है आमिर, ये हर हाल में बाहर आएंगे। तुम बस देखते जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वहीं रुक जाओ मुख्तार, तुम्हें पता नहीं है कोरोना ने दुनिया में क्या तबाही मचा रखी है और लाखों की तादाद में कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। लेकिन बाबा जी, मैं तो बस ये इस वक्त कोई पीर कोई मुरीद नहीं मुख्तार, बस सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करो, जा घर चला जा। भाईजान, आपने सुना नहीं पीर साहब क्या कह रहे हैं? मुख्तार या, जा घर चला जा, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसकी हिफाजत करो, जा चला जा मुख्तार या, जा घर चला जा घर मुख्तार या। भाईजान, आए घर चलें। तुम जाओ आमिर, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। जैसे आपका हुक्म भाईजान। अल्लाह ही तो है, ना है कोई और माबूद, तो फिर तू क्यों होता है किसी और के आगे सर्बसजूद। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा दर छोड़कर आस्तानों और दरबारों के चक्कर में पड़ गया था। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे।
मुझे माफ फरमा दे। ऐ रब्बे कुल कायनात, पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दिला दे। ऐ मेरे मालिक, तेरी इस मामूली सी वबा के आगे पूरी दुनिया के पीर फकीर मौलवी पंडित पादरी बेबस हैं। ऐ हमारे मालिक, हम सब पर अपना करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे और हम सबको माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, माफ फरमा दे।